नमस्कार, मैं अंजु रजावत आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारी रसोई में बहुत ही गजब की रेसिपी बनने वाली है। रेसिपी बनाने वाले हैं हम आलू और कुछ वेजिटेबल सब्जियों के साथ, जो कि फटाफट से बन जाती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम चलते हैं रसोई की तरफ। तो हमने कुछ सब्जियाँ ले ली है। तो हमने ले लिए 2 हरी मिर्च और 1 इंच के करीब हमने अदरक का टुकड़ा ले लिया है। तो ये अदरक है। और हमने ले ली है 1 गाजर, हरा धनिया और थोड़ी सी हमने मटर ले ली है। तो हम इन सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गाजर को काट लेते हैं। तो गाजर के जो साइड साइड से हम पूरा उसका गुद्दा निकाल लेंगे और बीच के अंदर गाजर के बीच में जो डंठल होता है ना, उसे हम हटा देंगे। तो अब हम इसके मोटे मोटे टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि बाद में हम इसे चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक कर लेंगे। तो आपके पास चॉपर नहीं है तो आप चाकू से भी इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट सकते हैं। तो गाजर कट के तैयार हो चुकी है और अब हमने इसमें 2 हरी मिर्ची भी काट दी है और मटर को भी छील के रख लिया है। तो इस तरह से हमारी सारी सब्जियां तैयार हो चुकी है। अब हम हरा धनिया भी काट लेते हैं। तो धनिया को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। अब हम 2 प्याज लेंगे और प्याज के भी मोटे मोटे से टुकड़े करके और चॉपर के अंदर डाल देते हैं। प्याज के मोटे मोटे से टुकड़े करके और हमने चॉपर में डाल दिए हैं। अब हम इसे बिल्कुल ऑमलेट कट कर लेंगे। तो प्याज को बिल्कुल बारीक कर लेना है। तो ये देखिए, प्याज बिल्कुल बारीक हो चुका है ना। तो इस तरह से प्याज को बिल्कुल बारीक कर लेना है। तो इस तरह से हम सारी सब्जियों को चॉपर में डाल के और इसी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। 5-6 आलूओं को हमने उबाल के और उसका छिलका हटा के और रख लिया है। तो अब आलू के अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। तो हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप टेस्ट के अनुसार डाल दें। और इसी में डाल देंगे 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसी में लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ही इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। अब 1 बड़ी चम्मच भर के और हमने साबुत धनिया ले लिया है। धनिया को हाथों से मसल के और इसके अंदर डाल देंगे। धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हमने जो सब्जियां चॉप करके रखी हुई है, तो वो हम सारी सब्जियां इसी के अंदर डाल देंगे। तो धनिया और मटर और गाजर, प्याज, मिर्ची, जितनी भी सब्जियां चॉप करी है सब इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। अदरक को भी इसी में ग्रेट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर इसमें 1/2 चम्मच काला नमक डाल देंगे। काले नमक से बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। तो देखिए, सब मसाले और सारी सब्जियाँ इसमें डल चुकी है। अब हम इसे हाथ से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको जैसे आटा गूंथते हैं वैसे इसका एक डोसा बना लेंगे। तो इसे हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, बहुत ही चटपटा और बहुत ही हेल्थी नाश्ता होता है। इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं। सर्दी में तो ये बहुत ही गजब लगता है, एकदम गर्मा गर्म चटपटा। और जब भी मेहमान आए ना और हमें लगे कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए मेहमानों के लिए, तो आप इसे बना के देखिए, मेहमानों को खिलाइए, बहुत पसंद आएगा उन्हें। इसे आप हरी चटनी और टमाटर के सॉस के साथ खा सकते हैं। तो ये हमने पूरा मिश्रण तैयार कर लिया है। 1/2 बाउल भर के हमने चावल का आटा ले लिया है। चावल का आटा इसमें मिक्स कर देंगे, क्योंकि प्याज, गाजर, मटर, इन सभी सब्जियों से क्या है, हल्का हल्का पानी रिलीज होता है। तो आलू में बहुत ज़्यादा गीलापन हो जाता है और मिश्रण एकदम ढीला ढीला लगने लगता है ना, इसलिए हम इसमें चावल का आटे का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम चावल का आटा डाल के और इसे मिक्स कर लेते हैं। आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप चावल को मिक्सी में डाल के, मिक्सी के जार में डाल के उसे पीस लें और हल्का दरदरा ही उसे पीसें। तो अब हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो सारा मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम 1 बड़ा बाउल लेंगे और उसमें हमने 1 बड़ी चम्मच भर के और मैदा डाल दी है। मैदा में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका एक लिक्विड सा बना लेंगे। तो घोल एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा जाड़ा नहीं रखना है, बिल्कुल पतला पतला सा इसका घोल बना लेना है। तो आप पानी एक साथ बिल्कुल ना डालें, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें और घोल बिल्कुल पतला सा बना लें। तो देखिए, घोल बनकर तैयार हो चुका है। 1 बाउल भरकर हमने कॉर्नफ्लेक्स ले लिए हैं। कॉर्नफ्लेक्स को मिक्सी के जार में डालेंगे और उसका हल्का दरदरा सा बुरादा बना लेंगे। आप यहाँ पर चाहें, आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड को भी टुकड़े करके और मिक्सी में डालें और उसको पीस के और उसका बारीक सा बुरादा बना लें। और जिस तरह से हम यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल हमने दरदरा सा इसको पीस लिया है। अब हमने 1 बाउल में पानी ले लिया है। हाथों में हल्का हल्का सा हम पानी लगाएंगे जिससे मसाला हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से पानी से हाथों को थोड़ा थोड़ा गीला कर लें और हम इसकी छोटी छोटी सी टिक्की बना लेंगे। तो देखिए, हमने इसकी इस तरह से गोल गोल सी टिकिया बना ली है। आप टिकिया चाहें तो छोटी या बड़ी रख सकते हैं।
तो हमने मीडियम साइज की ही टिकिया बना के रखी है। अब गैस के ऊपर हमने एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई को गर्म होने देंगे और इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। चटपटी या नमकीन चीज बनाने के लिए हम सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो तेल गर्म हो गया है, अब हम एक टिकिया लेंगे और मैदा के घोल में इसे डिप करेंगे और इस तरह से डिप करके और इसको हम कॉर्नफ्लेक्स के अंदर डाल देंगे और इसके चारों तरफ कॉर्नफ्लेक्स को लपेट के इस तरह से लपेट के और अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। तो देखिए बनकर तैयार हो गई है ना। तो अब हम इसे तेल के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से धीरे से आप इसको तेल के अंदर रख दें। तो इस तरह से हम इसके अंदर जितनी भी आएगी एक बार में उतनी हम इसके अंदर टिकिया डाल देते हैं। जब ये एक तरफ से सिक जाए तो हम इसे पलट देंगे। तो इन्हें झारी से हम इस तरह से पलट के और दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी इनको सेक लेंगे। तो देखिए ये एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो चुकी है। तो ये कितनी बढ़िया बनी है ना, बहुत ही मस्त सिक चुकी है, एकदम क्रिस्पी, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट मसाला, और वो भी एकदम चटपटा और टेस्टी। तो ये हम निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही कमाल का नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। ऐसा गजब का और चटपटा नाश्ता बनाना भी कितना आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी जरूर बना के खाइए। और आपको रेसिपी पसंद हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए।